और फतेहपुर जिले में फर्जी मालिकाना हक जताकर किराएदारों को दुकान खाली करने की धमकी देने वालों के खिलाफ पीड़िता ने जिला अधिकारी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। वादी के भाई की पत्नी नीदा कौसर पत्नी स्वर्गीय रफऊ ने फर्जी मालिक से दुकानें खरीदकर तीसरे पक्ष शिव बहादुर को बेच दिया है, जिसके बाद शिव बहादुर ने पुलिस से मिली भगत कर दुकानदारों को तत्काल दुकान खाली करने की धमकी दी। इस पर पीड़ित शकील अहमद ने जिला अधिकारी सी इंदुमती से मिलकर दबंग भू माफिया शिव बहादुर के खिलाफ शिकायत कर कानूनी कार्रवाई कर न्याय की मांग की है। चौक में हमारी चार दुकानें हैं, क्योंकि हमारे चाचा मुनीरुद्दीन ने हमारे पति को अपना बेटा मानकर उन्होंने दिया वसीयत कर दी, बाकायदा रजिस्टर वसीयत है। लेकिन इनके जो छोटे भाई हैं तीन, अब उनका तो कोई हक नहीं, उनका तो अपने बाप में हक है, अब्बा में। उन्होंने हमारे वसीयत को नाजायज़ नीदा खातून है कोई नीदा कौसर उसको बेच दिया, और रऊफ उसका पति है और उसने किसी और को बेच दिया है। अब वो लोग हमारे किराएदार हैं, ये रईस भाई और रिहान है और ये हैं छोटे भाई हैं। दो तीन दुकान पे किराएदार रहते हैं। ये प्रॉपर्टी मुनीरुद्दीन की है, जो कि ये शकील एप्लीकेंट के सगे चचा है। तो मुनीरुद्दीन ने रजिस्टर्ड वसीयत शकील अपने भतीजे को कर दी, जो इनके अन्य भाई थे वो महरूम रह गए। और एक इसी तरह किराया वसूलने के लिए इनकी और पट्टीदार एक बार आए, जिसमें यहाँ पे सिविल जज सीनियर डिवीज़न में मुनीरुद्दीन और एप्लीकेंट शकील ने दोनों ने मुकदमा किया, जो कि इस मुकदमे में 2017 में आर्डर भी हुआ, और आर्डर बहुत ही स्पष्ट है, जिसमें उन्होंने यहाँ तक कहा था कि कोई भी आर्डर में ये बात लिखी हुई है।